पहला देखिए, जो औरतों से नफरत करता हो, ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो उसे इंग्लिश में कहते हैं माइसोगाइनिस्ट। दूसरा देखिए, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तीसरा देखिए, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में नया हो, अनुभवहीन हो, नौसिखिया हो, ऐसे व्यक्ति को या तो नोविस कहते हैं या फिर कहते हैं नियोफाइट। चौथा देखिए, अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स यानी कि 14 लाइनों की कविता को इंग्लिश में बोलते हैं सोनेट। एडवांस्ड इंग्लिश में अक्सर एक वर्ड का यूज होता है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का अर्थ होता है ऐसी कोई बात जिस पर कोई विवाद हो सकता हो, जिस पर कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ मूट पॉइंट्स यानी कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भगवान है भी और नहीं भी, यानी कि जो इंसान ये सोचता है कि भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक।